पांच केदारों में विख्यात द्वितीय केदार भगवान महेश्वर के कपाट आज पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और इससे पहले 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं। कपाट बंद होने के दौरान सामाजिक दूरी सहित कोरोना बचाव की सभी गाइडलाइंस का पालन किया गया। महेश्वर भगवान की उत्सव डोली को गोंडार के लिए रवाना किया गया, जो 23 नवंबर को रांची और 24 नवंबर को गोरैया में प्रवास करेगी। इसके बाद 25 नवंबर को भगवान की डोली श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंचेगी, जहां पर शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना भी की जाएगी। और इस अवसर पर हर साल महेश्वर मेला भी आयोजित होता है, जिसमें कई श्रद्धालु यहां पर शिरकत करते हैं। और इस दौरान तमाम जो सुविधा श्रद्धालुओं को दी जाती है, उससे यहां पर जानकारी भी मुखिया की तरफ से दी जाती है। और ऐसे में जिस तरह से अब चारों धाम के कपाट यहां पर बंद हो जाएंगे पूरे विधि विधान के साथ, और शीतकाल के बाद ही इसे खोला जाएगा। आगामी समय में जब तक नहीं खोला जाएगा, तब तक यहां पर पूजा अर्चना पंडित की तरफ से की जाएगी, और एक अलग ही तस्वीर यहां पर सामने आएगी। तो कपाट अब बंद हो गए हैं, जब तक शीतकाल रहेगा तब तक सारे कपाट यहां बंद रहेंगे, और सिर्फ आम लोगों के लिए कपाट बंद है। पंडित जी द्वारा यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी।